भाकपा कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को दिया, जिसमें उनका कहना था कि एक मांग पत्र नगर आयुक्त मुरादाबाद को पहले ही दिया गया था, लेकिन सुचारू कार्रवाई अमल में नहीं आई। संजय नगर डॉल फाटक क्षेत्र में वाटर सप्लाई का पाइप कहीं नाले में फटा हुआ है, जिसकी वजह से टंकियों के पानी में कीचड़ आ रही है, गंदा पानी पीने योग्य नहीं है। वहीं उनकी मांग है कि संजय नगर में पानी की पाइपलाइन ठीक कराई जाए तथा लोगों को गंदे पानी से निजात दिलाई जाए। कांस्टेबल करण सिंह वाली गली को नगर निगम द्वारा करबला की तरफ से बंद कराई जाए। संजय नगर डॉल फाटक वाली गली के बाहर चल रही अवैध शराब की कैंटीन को बंद कराया जाए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा चलाए जा रहे राशन कार्डों पर फ्री विद्युत कनेक्शन कराया जाए। संजय नगर गली नंबर 3 के बाहर कूड़ेदान रखवाया जाए। वहीं एचपी पेट्रोल पंप के पास सुनारों वाली गली की टूटी सड़क की मरम्मत कराई जाए। प्रदर्शन करने वालों में रामकिशोर रस्तोगी, करण बहादुर अली, संदीप, नरेश सिंह, लेखराज, मोहम्मद नफीस, मोहम्मद नसीम, सरवन, विकी, डॉक्टर जोगिंदर, करण सिंह सागर, रोहिताश कुमार राजपूत आदि भारी संख्या में भाकपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा प्रदर्शन शहर के अंदर जो पाइपलाइन पड़ी हुई है वो तमाम पाइपलाइन पुरानी हो गई है और पाइपलाइन फटी हुई है, नालों का गंदा पानी वो टंकियों में आ रहा है और लोग गंदा पानी पीने पर विवश है, जिससे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जल निगम को बार बार लेकर देने पर भी उन नालियों उन पाइपों की मरम्मत नहीं होती है और शहर में तमाम लोग गंदा पानी पी रहे हैं। तो आज हम डीएम साहब से शिकायत करने आए हैं कि इस गंदे पानी पर रोक लगाई जाए, पाइपलाइनें बदलवाई जाए और बिजली विभाग के अंदर जो कनेक्शनों सौभाग्य कनेक्शन है और पहले बीपीएल पर कनेक्शन चल रहा है तो पूरे प्रदेश के अंदर बीपीएल कनेक्शन और देश के अंदर बंद है। खास सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्ड बनाए गए हैं बीपीएल की जगह, बिजली विभाग वाले उस पर अवैध वसूली कर रहे हैं और जनता को कनेक्शन नहीं दे रहे, जनता को धक्के दे रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।